आज की मैंने कर ली है छुट्टी मदरसे की, क्योंकि हमें जाना था मम्मा का सामान लेने कॉस्मेटिक का। तो यहाँ पे हम तो गए नहीं, क्योंकि मम्मा कह रही है हमें आने जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे होंगे। अभी तो मैंने टाइम देखा था 3:55 हो रहे थे, यानी 3:55। तो क्या कर सकते, तो घर का बात कर लीजिए। सुबह नींद ही नहीं आती, और अभी हो रहे हैं तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा दरवाजा वगैरह भी हमने सब खोला था ताकि चारों तरफ से हवा आए, क्योंकि अंधेरा जो, यानी अंधेरा कह रहे हो, गर्मी जो हो रही थी। तो अभी मिलते हैं। यहाँ पे आ चुकी है मेरी बर्फी, और भी बहुत कुछ लाए, दही वगैरह, गोश्त वगैरह। तो चलो मैं आपको इसको टेस्ट करके बता दो कि ये कैसी है। बन रही है मेरी मुर्गी, यहाँ मैंने खाना चढ़ाया हुआ है। अब ये देखें, हमारा खाना हो चुका है तैयार, और मोहम्मद दादा तो खा ही नहीं रहा। चले हम खाने को स्टार्ट करते हैं। हवा तो अच्छी चल रही है ना फिर? और हम लोग जा रहे हैं जान के शूज़ वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके थे दुकान पे, यहाँ करीबी हमारे इलाके में अहमदाबाद में तो ये दुकान थी शूज़ की, स्कूल शूज़ की दुकान थी। तो यहाँ तो बात नहीं बनी, तो फिर हम गए दूसरी शॉप में। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारी वैरायटी थी, और यहाँ हमें पसंद आ गया था अजान का शूज़। सो गाइस, आज जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आज चीज़ हमारी मेरी आई है उसकी अनबॉक्सिंग करके। तो अभी आपको प्रोफेशनल कैमरा मैन दिखेंगे जो है मेरी मामा, तो वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ऐसी चीज़ है जो आप स्कूल पहन के ना जाओ तो टीचर आपको मार मार के आपको बुरा कर देती है, कहती है 2 दिन में आ जाना चाहिए। और उसका नाम है शू। तो ये ना मेरे मेरे पास शूज है ना, ये बिल्कुल चमकदार है भाई जी। शूज के लिए हम बहुत ख्वार हैं, 2-3 दुकानें चेंज करी हैं मैंने। ये देखो, अब इसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पे हमारे पास आता है स्पाइडरमैन, जो कि मेरा, यानी मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। तो आज इसको अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा ग्रो इस वजह से इधर से। ये बहुत एक्साइटेड था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसे है ये। तो चलो देखते हैं कि ये कैसा है। कितने पोर्शन है? 2 पोर्शन है जी गाइस, 2 पोर्शंस, 1 स्पून। इसके अंदर एक इस स्पून, यानी इस पोर्शन के अंदर आप थोड़ी मैगी वगैरह रख सकते हो, इसके अंदर आप रख सकते हो जैसे ब्रेड होगी वगैरह, छोटी छोटी चीजें। तो अभी फिलहाल मैंने इसको करना है बंद। और यार मम्मा बहुत प्यास लग रही है। पप्पू स्कूल जाने के लिए तैयार है, ये अपनी मर्जी से लेकर आएंगे। क्या तोड़ने का इरादा? नहीं देते गाइस, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसको यूं क्यों लगाना है। गाइस अब ये है क्या, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ रहे थे कि स्ट्रोक वाला है। नहीं, मेरा खुद से ही ऐसा लिया।
मैं छोड़ उसको। तोड़ दो। नहीं तोड़ने का नहीं। गाइस बताओ आप कभी आपने कभी ऐसे किया तोड़ो तो सर बेटा तुम इस फड़े में भैया के पास जाओ। तो आ चुकी है वो चीज जिसको सुन आ गया हम लोग को कभी होश कर देते मोजे जो जो के मोजे हम लाए हैं स्कूल के लिए। मैं तो वो सोच रही थी वो जो छोटे छोटे से नहीं होते माजी स्कूल के यही होते होते तो यही है लेकिन उसमें गर्मी नहीं लगती। ये तो तुम्हें यहाँ तक पहनने पड़ेंगे गर्मी में। क्या करें? बस करो अब क्या और क्या। बैग तो ऑलरेडी हम ला चुके हैं वो उसके अंदर है अलमारी के अंदर वरना हम वो भी दिखाते हैं आपको। गाइस हाँ एक चीज मिसिंग है क्या? वो है ज्योमेट्री। हाँ वो तो हमने ली नहीं वो हम इसका पता नहीं था कि पेंसिल यूज करनी है क्या पेन तो वो हम पूछ कर जब ही लाएंगे। चलो आप लोगों को चलो आप लोगों को चलो तुम लोग को लेकर के चलो सब।